दिस इज मी फातिमा अकरम। हे क्यूटीज, कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज हम काफी टाइम के बाद बनाने जा रहे हैं फैब्रिक ज्वेलरी, तो चलो आ जाओ मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले उठा लो थिन कार्डबोर्ड शीट। आपके पास किसी भी तरह के थिन कार्डबोर्ड शीट होगी तो वो चलेगी। 3x3 सेंटीमीटर के स्क्वायर को कट कर लो। अब जबकि हम फैब्रिक ज्वेलरी बना रहे हैं तो फैब्रिक तो चलेगा ही। आप यहाँ पे कोई सा भी फैब्रिक यूज कर सकते हो। हे, मेरी बहन घर पे नहीं थी और मुझे दिखा उसका ईद का सूट जो कि उसने सिर्फ एक ही दफा पहना था। तो फिर क्या, मैंने उठाई कैंची और उस सूट के कर दिए टोटे टोटे। यार सच कहूँ कि मुझे काफी सुकून मिला, सारा बचपन का बदला पूरा कर लिया। उसी ड्रेस में से तो ये कपड़ा मिला है, अब इसको यूज करेंगे अपनी फैब्रिक ज्वेलरी में। और हाँ क्यूटीज, अगर आपको चाहिए फैब्रिक तो उससे पहले अपनी बहन से पूछ लेना, नहीं तो भाई आपसे 3 दिन तक बैठा नहीं जाएगा। वैसे क्यूटीज, ये कौन सा कलर है? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ये डार्क मेहरून है या फिर डार्क ब्राउन, आपको क्या लगता है? तो क्या आप सबने कुछ नोटिस किया? UHU, सच में पूरे एक साल के बाद मैंने इस ग्लू को यूज किया है। ओह माय गॉड, की मदद से फैब्रिक को कार्डबोर्ड से अच्छे से स्टिक कर लो। मेरे इस ग्लू के साथ कितनी सारी यादें हैं। वो दिन एक साल के बाद मैंने फिर से यूज किया, बिकॉज पहले तो मैं अपनी फेवरेट B6000 ग्लू की मदद से ही फैब्रिक को स्टिक करने वाली थी, बट मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं ये स्टेन ना छोड़ दे, तो इसलिए मैंने UHU का ग्लू यूज किया, बिकॉज मुझे इसका पता है, मैंने इसको काफी ट्राई किया हुआ है। अगर आपने B6 से या फिर B7000 ग्लू से फैब्रिक को स्टिक किया है कार्डबोर्ड पे तो फिर मुझे जरूर बताना, क्योंकि भाई मुझे ये डाउट हो रहा है। येलो हार्ट कमेंट कर देना, तभी मुझे पता चल जाएगा आपने इसको ट्राई किया हुआ है, फिर नेक्स्ट टाइम मैं B6 को ट्राई करूंगी। यहाँ पे मैंने दो पीसेस रेडी कर लिए हैं, 3x3 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के रेडियस का कार्डबोर्ड कट करो, अब उसे भी फैब्रिक से अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए हम यहाँ पर फिर से UHU ग्लू का ही यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू या फिर ग्लू की मदद से भी इसको स्टिक कर सकते हैं। ऐसा ही सर्कल आप दूसरा भी रेडी कर लेना दूसरे इयररिंग के लिए। तो इयररिंग के बेस तो एकदम रेडी हो चुकी है, तो चलो फटाफट से अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो फटाफट से उठा लो अपने ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल का पिटारा। सो देखो क्यूटीज, यहाँ पे तो एक बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक हो गया। जब मैंने अपने ज्वेलरी मटेरियल का बॉक्स खोला तो उसमें सेम इसी कलर के सीक्वेंस रखे हुए थे। एंड आई एम रियली शॉक्ड। इस फैब्रिक ज्वेलरी को बनाने से पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इस तरह के सीक्वेंस भी रखे हुए हैं। खैर जो भी हो, पर मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो चलो दोस्तों, इसी को ही स्टिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये टॉप्स पे सीक्वेंस को स्टिक कर रही हूँ। आप इसके जगह पर राइनस्टोन चेंज या फिर हाफ कट बीट का स्टिक कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे सीक्वेंस है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो। है ही, हमारा ईयर टॉप्स तो रेडी हो चुका है, तो चलो फटाफट से नीचे वाले पार्ट को भी कम्प्लीट करते हैं। इसके लिए मैंने फर्स्ट में लिया है राइनस्टोन चेन, तो उसको अच्छे से ग्लू कर लेंगे नाउ। तो फिर से हम सेम सीक्वेंस का यूज करेंगे और इसे भी ग्लू कर देंगे। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन क्रिएट कर रही हूँ, आप यहाँ पे जैसा चाहो वैसा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली से बेसिक था ग्लू की मदद से स्टिक कर लेंगे। तो लो भाई, इतने सिंपल प्रोसेस का यूज करके हमने बहुत ही प्यारा सा डिजाइन क्रिएट कर लिया है। तो चलो अब इन दोनों पीसेस को आपस में अटैच करते हैं, जिनके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गोल्डन पिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे हेड पिन। तो हेड पिन की मदद से ही हम यहाँ पे ईयर स्टड को रेडी करेंगे। तो फटाफट से ईयर स्टड को रेडी कर लेंगे और अपने ईयर टॉप्स के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सो ग्लू करने के लिए हम यहाँ पे हॉट ग्लू का यूज कर रहे हैं, तो सिंपली इसको फटाफट से ग्लू कर देंगे। ईयर स्टड के साथ साथ हम यहाँ पे आई पिन को भी स्टिक करेंगे। ईयर रिंग के दोनों पीसेस में आई पिन को स्टिक कर लेंगे, देन हम अच्छे से पैक फिनिशिंग भी कर लेंगे। हर कोई ज्वेलरी अधूरी होती है हैंगिंग से, तो फटाफट से हम यहाँ पे भी हैंगिंग को रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए बहुत सारे बीड्स, देन हमें चाहिए थिन वायर। तो सिंपली थिन वायर की मदद से ही हम यहाँ पे हैंगिंग को रेडी करेंगे। सो वायर के एक साइड को कव करेंगे और उसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेंगे, पर्ल को ऐड करेंगे, देन दूसरी साइड भी वायर की कव करके अच्छे से उसे ट्विस्ट कर लेंगे। ये जो हैंगिंग है हम इसे खुद ही बना रहे हैं, आपने देखा होगा ना मार्केट में भी ऐसी मिलती है। अगर आपके पास ये लरी है तो आप इनमें से यूज कर सकते हो हैंगिंग। माना इसे बनाने में मुझे घंटों लग गए, पर सच कहूंगी यार मुझे इसे बनाने में काफी ज्यादा मजा भी आया है और मुझे कुछ नया भी सीखने को मिला था, तो मुझे अच्छा लगा इसे बनाकर। एंड अगर आपने अभी तक इसको नहीं बनाया है तो आप इसे एक दफा तो बना के देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
तरह मैंने बहुत सारी हैगिस को रेडी कर लिया। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पर हमने 5, 4, 3, 2 करके लरिया बनाई है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। ये हैंगिंग तो ऐसे अच्छी नहीं लग रही है, अब इसके लास्ट में भी तो कुछ ना कुछ लगाना है ना। तो फटाफट से ले आओ हेड पिन, और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे ये गोल्डन वाले ड्रॉप बीड्स। तो ये जो आप गोल्डन बीड्स देख रहे हो, ये इतने ज्यादा पुराने हैं ना कि मैं क्या ही कहूँ। मतलब जब मैं दुनिया में भी नहीं आई थी, ये तभी आ चुके थे, इतने ज्यादा पुराने हैं। पर इनकी शाइन अभी भी एकदम न्यू जैसी है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इसको लगाने के बाद हमें इस बैक साइड को भी कवर कर लेंगे उसी फैब्रिक के साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। बैक फिनिशिंग के लिए आप वही सेम फैब्रिक का ही यूज किया करो, बिकॉज वो ज्यादा अच्छा लगता है। बैक पर वैक्स स्ट्रिप या फिर ऐसे कुछ चीजें लगा लेते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज हमारे ये हैगिंग्स वाले इयररिंग्स है और जब ये हिलते हैं तो पीछे से दिखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। फिर आप बैक पर भी उसी फैब्रिक का ही यूज करो। चलो फिर इन दोनों पीसेस को एक साथ अटैच करते हैं, वो भी बिना जंपरिंग के साथ। तो मैं इसे फटाफट से अटैच कर लूंगी और वायर को कर देंगे अच्छे से कर्व, एंड इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरा इयररिंग भी रेडी करेंगे। देखो क्यूटीज, कितने सिंपल एंड इजी प्रोसेस के साथ हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल और हैवी किस्म के इयररिंग्स बनके रेडी हो चुके हैं। यार मैंने इयररिंग्स तो बना लिए थे, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मुझे इसके साथ का मांग टीका भी चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर फटाफट से हम मांग टीका को भी बना लेते हैं। तो मांग टीके को बनाने के लिए हम वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेम कार्डबोर्ड लिया है एंड उसे भी फैब्रिक से अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद वही डिजाइन क्रिएट करेंगे जो कि हमने अपने इयररिंग्स पे क्रिएट किया है। तो बस यहाँ तक करने के बाद हमें लेनी है पर्ल वाली चेन। उसी सिंपल प्रोसेस के साथ मैं यहाँ पे पर्ल वाली चेन को रेडी कर लूंगी। नाउ सो थिन वायर की मदद से ही पर्ल वाली चेन को अटैच कर लेंगे, वो भी हॉट ग्लू की मदद से। तो पर्ल चेन की जगह आप यहाँ पे गोल्डन चेन का यूज कर सकते हो। तो अपने मांग टीके की हैंगर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे हैंगर्स को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक पर्ल और एक ड्रॉप बीड को ऐड करेंगे, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी हैंगर्स को बना लिया है। तो चलो फटाफट से इनको थिन वायर की मदद से ग्लू कर देते हैं। तो बस इयररिंग हुक को ऐड करेंगे, और लो भाई हमारा इतना सिंपल प्रोसेस के साथ मांग टीका भी बन के एकदम रेडी हो चुका है, जो कि सच में बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है।
हे, मांग टीका तो बन चुका है, पर मैंने यहाँ पे एक और कार्डबोर्ड का कट किया था, तो चलो इससे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में इसको कट किया है, आप चाहो तो सर्कल में भी कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सेम कार्डबोर्ड लेंगे और उसको भी फैब्रिक से अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद मैं यहाँ पे उन्हीं सीक्वेंस का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो बस जैसा पैटर्न मुझे समझ में आ रहा था मैं बस करती गई। तो यहाँ पे मैंने पूरे पे फ्लास्क को रेडी कर लिया है। नाउ सेंटर में भी कुछ सीक्वेंस को स्टिक कर लेंगे। सारे सीक्वेंस लगने के बाद ये अभी भी बहुत ही अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे राइनस्टोन को भी स्टिक कर लिया है। तो एक एक करके स्टोन्स को स्टिक करेंगे। एंड ये बहुत ज्यादा शाइनी लग रहा है। Hey, अभी स्पेस को हम रिंग भी ऐड करेंगे, तो फटाफट से ले आओ रिंग बेस। अगर आपके पास नहीं है रिंग बेस तो आप यहाँ पे मास्क की वायर यूज कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे मास्क की वायर यूज की है। सिंपली इसको अटैच कर लेंगे हॉट ग्लू की मदद से, एंड बैक पे फिनिशिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो लो भाई, इतने सिंपल प्रोसेस के साथ हमारी ये वाली रिंग भी बन गई, एकदम रेडी हो चुकी है। एंड दिस लुक्स सो गॉर्जियस। सो क्यूटीज, हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी फैब्रिक ज्वेलरी बन गई, एकदम रेडी है। तो हमने बनाए इयर रिंग्स, मांग टीका और बनाई है बहुत ही फैंसी सी रिंग। सो क्यूटीज, आप इस ज्वेलरी को किसी की भी शादी पे, फेस्टिवल और ईद पे वेयर कर सकते हो। लुक्स सो ग्लैमरस, यहाँ तो कहना बनता है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो क्यूटीज, आपको ये फैब्रिक ज्वेलरी कैसी लगी फटाफट से कमेंट कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तो क्या आप सबको इसके साथ का मैचिंग का नेक पीस देखना है? अगर देखना है तो कमेंट में नेक पीस भर देना, ताकि मुझे पता चल सके आपको इसका नेक पीस देखना है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल गाइस। अल्लाह हाफिज़।